आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। आज की इस वीडियो जो होने वाली है वो हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर की होने वाली है। इससे पहले मैंने बहुत सारी हिंदी फर्स्ट पेपर की वीडियो बनाई है, आज की इस वीडियो में हिंदी सेकेंड पेपर के बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले वो सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से रिलेटेड होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका ग्रंथ है? नंबर एक नरेंद्र देव, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर कबीरदास, डी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ठीक है, वो ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसी तरह के चार ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो करेक्ट होगा उसे आपको सिलेक्ट करके वो मार्कशीट में फिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है? नंबर एक राम कुमार वर्मा, बी नंबर हजारी प्रसाद और सी नंबर है महावीर प्रसाद और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक के फूल हैं वो निबंध संग्रह है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हजारी प्रसाद लिखा है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, द्विवेदी जी ही हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में पहले जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन जो उसके नीचे जो क्वेश्चन मिलेंगे तीन चार नंबर, उसमें द्विवेदी नहीं लिखा हो सकता है कि द्विवेदी ना लिखा हो, हजारी प्रसाद लिखा हो। तो आप समझ लीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर एक 1950, बी नंबर है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हुआ है, आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि निम्न में हजारी प्रसाद का जन्म, ठीक है, कब हुआ था, तो ये कहाँ हो गया, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिलहाल जब आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो उसमें लिख दूँगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ का जन्म कब हुआ था, इसको मिटा दीजिए। तो नंबर एक है 1950 और बी नंबर है 1890 और सी नंबर है 1907, डी नंबर है 1920। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, सी नंबर। ठीक है, 1907 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? नंबर एक 15, बी नंबर है 5, सी नंबर है 3 और डी नंबर है 12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है, जिन स्टूडेंट को मालूम है बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। ठीक है, 5, ठीक है, 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिदास की ललित योजना किसका ग्रंथ है? नंबर एक परशुराम, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल और सी नंबर हजारी प्रसाद, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो लिदास की जो ललित योजना है वो है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से सूर साहित्य किसका ग्रंथ है? नंबर एक पद्म सिंह, बी नंबर राम कुमार, सी नंबर हजारी प्रसाद, डी नंबर है सूरदास। तो जो सूर साहित्य है, सूर साहित्य वो ग्रंथ है किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आपको ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सूर साहित्य किसका ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नंबर एक गोंडा में, बी नंबर छपरा में, सी नंबर काशी में, बी नंबर बलिया जिले में। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो बलिया जिले में हुआ था। किस सन में, अभी ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को 1907 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा सन और कहाँ पर हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदारू किस प्रकार का निबंध है? नंबर एक विचारात्मक, बी नंबर शैलात्मक और सी नंबर ललित, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ललित, देवदारू एक ललित है, निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, पुनर्वा किसका उपन्यास है? ठीक है, पुनर्नवा किसका उपन्यास है? नंबर एक दिनकर, बी नंबर हजारी प्रसाद और सी नंबर कुबेरनाथ, डी नंबर रामविलास वर्मा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोटा जी किसका निबंध संग्रह है? तो राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा, हजार प्रसाद द्विवेदी ही हो जाएंगे इसके भी, कोटज निबंध हजार प्रसाद द्विवेदी का है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, ठीक है, तो आप लोगों का उस पर भी सपोर्ट चाहिए। उस पर मैं हिंदी में यानी कि हिंदी न्यूज के नाम से उस चैनल है, उस पर मैं दिन भर की जो बड़ी खबरें होंगी वो उस वीडियो पर मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, यानी कि न्यूज। तो उस चैनल का मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगा। तो फाइनली हम आ गए वेबसाइट पे, जो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी की पीडीएफ मैंने तैयार कर ली है। ये सारे क्वेश्चन आपको इस पे मिल जाएंगे, ठीक है, इस वेबसाइट पे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में हैं और भी मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा और पीडीएफ भी इस पे डाल दूंगा, ठीक है, वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो डालने वाला हूँ, वो ये चैनल है, ठीक है, इसका लिंक ये है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल पे लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, इतनी सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि मैं नया चैनल ओपन कर रहा हूँ तो आप लोग का सपोर्ट करना बनता है। और मैं दिन भर की जितनी भी बड़ी न्यूज होंगी जो आप तक ना पहुँच पाती वो मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो आपको जल्द ही वीडियो इस पर मिलने वाली है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निबंधकार ने किस वृक्ष को अर्थातीत छंद कहा है? तो नंबर एक है अशोक को, देवदारू को और आम को, डी नंबर है सीरीज को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निबंधकार ने, यानी कि आपके हजय प्रसाद द्विवेदी ने देवदारू को अर्थातीत छंद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज किसका निबंध संग्रह है? नंबर एक एसपाल, बी नंबर हजय प्रसाद का और सी नंबर है पंत का, डी नंबर है निराला जी का, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो जो ब्रज है, ठीक है, वो आपके हजय प्रसाद द्विवेदी का ही निबंध संग्रह है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निबंधकार को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज किसने माना है? नंबर एक हजय प्रसाद, बी नंबर महादेवी वर्मा, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर कबीरदास। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर हजारी प्रसाद जी, ठीक है। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता के उपज किसने माना है? उनका नाम है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो, ये पंक्ति किस निबंधकार की है? तो भैया आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है आप लोगों के। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो, ये पंक्ति हजय प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हजय प्रसाद अनुदूति ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो नंबर एक है अशोक के फूल, बी नंबर है मेरा बचपन, सी नंबर है कबीर और डी नंबर है देवदारू। तो हजय प्रसाद जी का जो अनुदित ग्रंथ है वो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ठीक है, मेरा बचपन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका ग्रंथ है? नंबर एक नागार्जुन, बी नंबर रामकुमार वर्मा, सी नंबर दिनकर, डी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो हजय प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में आधुनिक साहित्य पर विचार किसका ग्रंथ है? ठीक है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, ये ग्रंथ आपके हजय प्रसाद द्विवेदी जी का ही है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य द्विवेदी के अंतकरण में किसके संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध में आने के उपरांत मानवतावाद के प्रति दृढ़ आस्था पैदा हुई? नंबर एक भगत सिंह, बी नंबर पारानी, और सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजय प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? नंबर एक है 1980, बी नंबर है 1958, और सी नंबर है 1979, और डी नंबर है 1975। तो जो हजय प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु यानी कि निधन हुआ था वो हुआ था 1900 किसमें, जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़।
तो क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद का निधन कहाँ हुआ था? अब बात आई थी कि इनका जन यानी कि निधन किस यानी कि मृत्यु किस सन में हुई थी, अब बात आती है कि इनका निधन कहाँ पर हुआ था। नंबर 1 उड़ीसा, बी नंबर दिल्ली, सी नंबर गुजरात, डी नंबर बनारस। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनका निधन हुआ था, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इनका निधन हुआ था। यानी कि आपको मेन क्या याद रखने हैं, इनके ग्रंथ कुछ यानी कि जो भी इनकी रचना है उपन्यास है उनको, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, मैंने आप लोगों को भी बताया है ऊपर, ठीक है, और इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी उसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया अभी 1979 में, और निधन कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप रट लीजिएगा। इनसे रिलेटेड इतने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बनाए हैं, यानी कि इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं, और भी क्वेश्चन थे, ठीक है, तो मैं इसमें इंक्लूड करता तो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, और भी क्वेश्चन में बना के वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो वेबसाइट वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसमें लगभग आपको 40-50 क्वेश्चन मिल जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई देते हैं। अगर आप किसी भी अन्य कवि का या किसी अन्य लेखक का आप क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उनका भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, चैनल जो मैंने बताया है हिंदी न्यूज़, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उस पर भी आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।